हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं मिनी ब्लूटूथ स्पीकर बनाना। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, ये एक ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि 2.5 वोल्ट से 5 वोल्ट डीसी के बीच में ये वर्क करता है। ठीक है, और इसका आउटपुट की बात करें तो इसमें 3+3 वाट का आउटपुट इस ऑडियो एम्पलीफायर से हमको मिलती है। देखें फ्रेंड्स, ये एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है और ये एक चार्जिंग मॉड्यूल है। ठीक है, ये तीनों मॉड्यूल से आज हम बनाएंगे एक शानदार मिनी ब्लूटूथ स्पीकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस मॉड्यूल को सप्लाई देने के लिए लेंगे एक 3.7 वोल्ट का लिथियम बैटरी। उसके बाद ऑन ऑफ के लिए एक स्विच, एक स्पीकर। ठीक है, और इस सारा जो आप देख पा रहे हैं मॉड्यूल है, इसको फिट करने के लिए एक चार्जर का इस टाइप का आपको पीवीसी बॉक्स लेना है। ठीक है, अब आइए इसका कनेक्शन करके हम आपको दिखा दें कनेक्शन कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल में जब आप पलट करके कर देखेंगे तो एक साइड में आपको सप्लाई के लिए 2 पिन दिखाई पड़ रहा होगा और 3 पिन आपको दिखाई पड़ेगा सिग्नल आउटपुट के लिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस मॉड्यूल को भी हमको 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए। तो 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल का सप्लाई पिन में हम इस टाइप से एलईडी का पिन को क्या करेंगे, प्लस माइनस में इस टाइप से आपको जोड़ देना है। ठीक है, आप चाहे तो स्टेपलर का भी पिन ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सप्लाई लाइन में कुछ इस तरह से 2 पिन जोड़ेंगे प्लस माइनस में। उसके बाद सिग्नल इनपुट में यानी कि एल और आर लिखा हुआ जहां पे है वहां पे आपको फिर 2 पिन कुछ इस तरह से आपको सोल्ड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसी मॉड्यूल से मेरा ये एम्पलीफायर जो है वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको काट काट देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4 पिन दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें 2 सप्लाई है प्लस माइनस और 2 है लेफ्ट एंड राइट, 2 ऑडियो इनपुट। ठीक है, अब इस पिन को हमको कहाँ पे सोल्ड करना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम क्या करेंगे कि ये जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं ऑडियो एम्पलीफायर मॉड्यूल, यहाँ पे भी सिग्नल इनपुट के लिए 2 लेफ्ट एंड राइट के लिए जगह दिया हुआ है ऑडियो इनपुट। ठीक है, और 2 सप्लाई के लिए। ठीक है, तो आइए मॉड्यूल का जो सप्लाई लाइन है वहां पे एक वायर का टुकड़ा को कुछ इस तरह से उसका इंसुलेटिंग जो है एक ठो में हम फिट कर देंगे, क्योंकि इसका प्लस माइनस और इसका प्लस माइनस कुछ अपोजिट साइड में है। तो इस तरह से फिट करके दोनों को क्रॉस करके आपको एक साथ मिला लेना है प्लस और माइनस को, और ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड का प्लस माइनस से ब्लूटूथ मॉड्यूल का प्लस माइनस को क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद ये सिग्नल का जो पिन है इसको भी ऑडियो इनपुट में कुछ इस तरह से सोल्ड कर देना है। ठीक है, दोनों पिन को। देखिए फ्रेंड्स, ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड में ब्लूटूथ का जो मॉड्यूल है उसको कुछ इस तरह से आपको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के बाद देखिए फ्रेंड्स, सप्लाई लाइन में प्लस माइनस जहाँ पे अभी हम ब्लूटूथ मॉड्यूल का प्लस माइनस को ज्वाइंट किए हैं वहां से 2 वायर हमको कुछ इस तरह से जोड़ करके निकाल लेना है। तो वही इसमें भी प्लस माइनस 2 वायर को हम जोड़ करके निकालते हैं सप्लाई देने के लिए, क्योंकि दोनों मॉड्यूल में हमको 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए, इसलिए हम दोनों का सप्लाई को एक साथ जोड़ दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वायर में हम 5 वोल्ट सप्लाई देंगे तो दोनों मॉड्यूल में मेरा सप्लाई 5 वोल्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारा कनेक्शन करने के बाद अब आइए हम चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक चार्जिंग मॉड्यूल है, ये उसका चार्जिंग पिन का सॉकेट है। अब इसका प्लस माइनस में भी फिर हम 2 वायर जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे प्लस रेड वाली वायर को जोड़ेंगे और माइनस में ब्लैक वाली वायर को जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चार्जिंग मॉड्यूल में भी कुछ इस तरह से आपको 2 वायर जोड़ लेना है। ये दोनों वायर जो आप देख पा रहे हैं ये बैटरी का प्लस माइनस से ज्वाइंट होगा। ठीक है,
इस तरह से चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन भी हम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो रेड वाली वायर को जोड़ेंगे और नेगेटिव में ब्लैक वाली वायर को। इस तरह से हम चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारा कनेक्शन कर लेने के बाद अब आइए इसको हम पीवीसी बॉक्स में फिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऊपर का जो ढक्कन का है उसको हम इस तरह से काट करके इस बीच का जो राउंड कटिंग है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पे एक स्पीकर हम फिट करेंगे। ठीक है, फिट करने के लिए सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब आइए इसमें सोल्डिंग आयरन की सहायता से थोड़ा सा होल कर लेते हैं। ठीक है, और इस स्पीकर को यहाँ पे फिट कर देते हैं। कुछ इस तरह से हमको फिट करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्क्रू को लगा करके इसको टाइट कर देंगे स्पीकर को। इस तरह से टाइट कर लेने के बाद देखें फ्रेंड्स, अब आइए हम इस पीवीसी बॉक्स में सारा तीनों मॉड्यूल को हम फिट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए इसका ऑन ऑफ एक स्विच बनाते हैं। उसके लिए ऑन ऑफ स्विच लगाने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हमको मार्किंग करना है। देखें फ्रेंड्स, इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद इसको कटिंग करके यहाँ पे स्विच को फिट कर देना है। ठीक है, आपको सिर्फ मार्किंग करना है, उसके बाद कटिंग करके स्विच को आप यहाँ पे कुछ इस तरह से रख करके पुश कर देंगे तो आपका स्विच जो है फिट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब आइए यहाँ पे एक होल करते हैं ऑडियो मॉड्यूल को फिट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, होल करने के बाद फिर हम ऑडियो मॉड्यूल का वॉल्यूम वाला जो नोज निकला हुआ है उसको कुछ इस तरह से घुसा करके उसका नट को टाइट कर देंगे और एक नोब यहाँ पे फिट कर देंगे। ठीक है, देखें फ्रेंड्स, इस प्रकार हमको करना है। उसके बाद अब आइए हम यहाँ पे एक चार्जिंग मॉड्यूल को फिट करते हैं। तो चार्जिंग मॉड्यूल को भी फिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लू लगा करके कुछ इस तरह से चार्जिंग मॉड्यूल को भी फिट कर देंगे। देखें देखें फ्रेंड्स, मेरा सारा तीनों मॉड्यूल जो है फिट हो चुका है। अब आइए इसका कनेक्शन स्विच के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्विच का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले रेड वाली वायर को स्विच का एक पॉइंट में जोड़ेंगे कुछ इस तरह से। अब दूसरा जो वायर है जो अभी हम कटिंग किए थे उसको स्विच का दूसरा पॉइंट में जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद ये जो दो वायर आप देख रहे हैं इसको बैटरी के साथ हमको जोड़ना है, यानी कि रेड वाली वायर को बैटरी के पॉजिटिव में और ब्लैक वाली को नेगेटिव में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आइए मॉड्यूल का भी दोनों प्लस माइनस को और मॉड्यूल से जो सप्लाई लाइन का जो दो वायर निकल रहा है उसका प्लस माइनस को एक साथ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से। तो देखें फ्रेंड्स, इस तरह से जोड़ना है। और जोड़ने के बाद ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से दोनों वायर को क्या करना है, जोड़ देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आइए जोड़ते हैं इस तरफ से। इस तरह से आपको जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, जोड़ने के लिए सबसे पहले बैटरी को हम कुछ इस तरह से रगड़ करके सबसे पहले रंगा लगाएंगे, नहीं तो आपका सोल्डिंग नहीं होगा। दोनों साइड में इस तरह से आपको रगड़ लेना है, उसके बाद सोल्डिंग सिरांगा लगा लेना है। उसके बाद दोनों वायर को प्लस माइनस देख करके सोल्ड कर देना है। तब आइए इसका प्लस को प्लस से सोल्ड करते हैं, अब माइनस वाली वायर को बैटरी का माइनस से सोल्ड करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारा कनेक्शन कर लेने के बाद आपका मिनी ब्लूटूथ स्पीकर जो है रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आइए इसका स्पीकर का कनेक्शन ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड के साथ करते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑडियो आउटपुट है, ऑडियो आउटपुट पिन। तो ऑडियो आउटपुट पिन में स्पीकर का दोनों वायर को इस तरह से आपको जोड़ देना है।
और जोड़ने के बाद इसका जो बैटरी है इसको ग्लू लगा करके साइड में कहीं पर आपको फिक्स कर देना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा स्पीकर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब आइए इस बैटरी को फिक्स करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे ग्लू का यूज़ करेंगे। इस तरह से ग्लू लगाने के बाद बैटरी को साइड में आपको इस तरह से फिक्स कर देना है। अब आइए इसको हम फिट कर देते हैं और आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, ठीक है, कि मेरा ब्लूटूथ स्पीकर कैसे वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। अब आइए इसका चार्जिंग पिन को लगा करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चार्जिंग इंडिकेटर भी ग्लो हो चुका है, यानी कि ये अभी चार्जिंग मोड में है। जैसे ही इसका स्विच को हम ऑन करेंगे मेरा ब्लूटूथ जो है वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो भाई इसको ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑन हो चुका है। अब आइए इसको हम मोबाइल से कनेक्ट करके हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इस टाइप का मिनी ब्लूटूथ स्पीकर घर पे बनाना, और ये मॉडल भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए इसका साउंड को हम आपको सुनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साउंड भी कितना क्लियर आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, साउंड भी दमदार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।